हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः अपना टीजीटी आर्ट कला से संबंधित वीडियो, जो महत्वपूर्ण वीडियो है, जो टॉपिक है, उस पर लेके आप लोगों से चर्चा करूंगा, जिसका नाम है समकालीन चित्रकला या चित्रकार। तो इसमें जो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथ में जो एग्जाम में विगत परीक्षा में पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक से, जिन जिन चैप्टर से साथ में, वही प्रश्न मैं आप लोगों को बीच लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो सके साथियों। तो आगामी परीक्षाओं में इन सब प्रश्नों को आने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। चलते हैं साथियों, विलंब नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। और इसी के साथ साथ उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है कि ऑनलाइन क्लास के साथ। तो साथियों, निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुँच जाए। वीडियो साथियों, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ, उनके पास पहुँच जाए। तो चलता हूँ साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलता हूँ। इटली में बारो कला पनपी, पहला प्रश्न है साथियों, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 30 प्रश्न है साथियों। तो इटली में बारो कला पनपी, तो आप लोग भी काफ़ी पेन लेके अपना निशान लगाते रहिए कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। तो इटली में बारो कला पनपी साथियों, तो कब पनपी थी? 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए में। तो 16वीं शताब्दी में इटली में जो बारो कला पनपी थी साथियों, 16वीं शताब्दी में पनपी थी। इसका जो समय था साथियों, 16वीं शताब्दी 1550 से लेकर 1750 ईस्वी माना जाता है साथियों। और यूरोपीय कला का यह जो काल था, स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसमें जैसे जो जो कलाकार थे इसमें के साथियों, जैसे थे फ्रेंच कलाकारों में जैसे क्लोद लोरे, डच कलाकार रेम्ब्रा, वर्मियर, फ्रांसाल्स, प्लेमेंस रूबेंसा आदि इसके प्रमुख कलाकार थे जो इटली बारोक कला से संबंधित थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 में प्रस्थापना टेक्सचर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न साथियों 2013 में भी पूछा गया है। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन एक्सटेक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने चित्र किया था? तो नल्ली मनाली, सिबुनटेशन, विवान सुंदरम, शीला गौड़ा। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर के साथियों कौन हो जाएंगे? विवान सुंदरम, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण साथियों था। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। गीता कपूर कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों गीता कपूर कौन थे? तो गीता कपूर जो होंगे साथियों इतिहासकार तथा कला समीक्षक थे। क्या थे साथियों? इतिहासकार तथा कला समीक्षक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन हैं? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, जिन जितने भी प्रश्न आप लोगों के बीच लेके आए हूँ, सब प्रश्न मोस्ट हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार इसमें रणबीर सिंह बिष्ट, एन के खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर, TGTP 1999 है साथियों। तो समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो जो समीक्षावादी कलाकार हैं साथियों कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं समीक्षावादी कलाकार। रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात कलाकार थे साथियों, समीक्षावाद से संबंध रखते थे। रामचंद्र शुक्ल फ्रांस द्वारा जीन आनर फर्नांड सम्मान भी पा चुके हैं साथियों, और पहले भारतीय चित्रकार भी हैं जो जीन आनर फर्नांड पुरस्कार पाए हैं। तो पहले भारतीय हैं, ये फ्रांस का सम्मान दिया है, फ्रांस से मिलता है। तो रामचंद्र शुक्ल पहले भारतीय जो इस पुरस्कार को पाए हैं। इनके जो प्रमुख चित्र है जैसे कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, चंद्र यात्रा, बैलेट बॉक्स, तो आदि इनकी प्रमुख कृति है साथियों। तो अगला प्रश्न जो आपका है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षक चित्रकार के रूप में, समीक्षा
के रूप में या फोटोग्राफर के रूप में। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है साथियों कि रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो किस विधा में रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों, 2000 में भी प्रश्न पूछा गया था PGT में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया, आर.एस. बिष्ट, H.H. अंसारी, G.V. लाल, R.C. शुक्ला, तो किसने स्थापित किया था भारत में समीक्षावाद साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, R.C. शुक्ला जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, R.G. शुक्ला। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों, OP कलाकार का नाम क्या है, क्या कह रहा है, OP कलाकार का क्या नाम है, एंडी बारहोल, कीथ क्लुंजनर, वसरली, रूबेंसा। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, TGT परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा कि ओपी कलाकार कौन है, तो इसमें जो ओपी कलाकार हैं साथियों क्या हो जाएंगे, वसरली हैं। कौन है साथियों, वसरली, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। न ओपी का अर्थ होता है साथियों आप आर्ट, क्या होता है साथियों आप आर्ट। तो आप आर्ट की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 1904 में, या ओपी कलाकार की शुरुआत कब हुई थी, कला की शुरुआत तो 1904 में, किसने किया था, विक्टर वसरली ने किया था। न ओपी कला को और एक नाम से जाना जाता है साथियों, नेत्रीय कला के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था, रेम्ब्रा, रूबेंसा, वान आइक, पिकासो। तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि किस कलाकार ने अपने चित्र में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दिया था, तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, रूबेंसा, क्या हो जाएगा, रूबेंसा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो जितने प्रश्न साथियों आप लोग के बीच लाए सभी साथियों क्या हैं, समकालीन चित्रकला एवं चित्रकार से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछने की पूर्ण रूप से इनकी संभावना है साथियों, यही सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। हाँ साथियों, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप ना करिए, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लाए हैं साथियों। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था, रूबेंसा, रेम्ब्रा, डेविड कोरबेट। PGT पीछे 2009 में साथियों पूछा गया है कि पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है, पेरिस निर्णय का चित्र किसने बनाया है। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, रूबेंस। कौन है साथियों, रूबेंस। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रसिद्ध प्रमुख चित्र है, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरते निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया था, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, PGT पीछे 2000 में पूछा गया है, जॉर्जियो डी सिरिको, पाब्लो पिकासो, मार्शल धोनसा, फ्रांत मार्क। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, सीढ़ियों से उतरते निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों मार्शल धोनसा हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। न वर्ष 1911 में धोनसा ने यात्र सम आकृतियों को चित्रित कर उसको शीर्षक दिया काफी की चक्की। वर्ष कब रहा, 1912 में, अभिव्यक्तियों के गलित सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध चित्र सीढ़ी से उतरती हुई नग्न कृतियां बनाया था। धोनसा न्यूयॉर्क 1915 में अपनी प्रसिद्ध कलाकृति ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की कई वधु भी तैयार की थी। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न सभी प्रश्न साथियों, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान है, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। TGT परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, डी, फ्रांस में। कहाँ जाएगा साथियों, फ्रांस में। आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान है क्या है साथियों, फ्रांस है। न 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही फ्रांस में नवशास्त्रीवाद का जन्म हुआ था। इसके बाद 1819 में आसपास के फ्रांस रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद आदि कला शैलियों का भी जन्म माना जाता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अपने चित्रों में वेरी वेरी मोस्ट, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग किसका प्रयोग कर रहा है, बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था, सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर, रियाज कोमो। तो TGT पीछे 2013 में प्रश्न पूछा गया, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों देखकर आप बताइए। तो
इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों क्या हो जाएगा, जो अपने चित्र में बिंदी का प्रयोग करते थे तो उस चित्र का नाम हो जाएगा साथियों भारती खेर। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों भारती खेर, तो अपने चित्र में बिंदी का प्रयोग करते थे साथियों। इनका जन्म जो साथियों था 1969 में लंदन में हुआ था। 1969 में साथियों कहाँ हुआ था, लंदन में। इन्होंने अपने चित्रों की रचना भारत में की थी। जन्म इनका लंदन हुआ था। जो चित्र बनाए थे साथियों भारत से संबंधित या भारत में बनाए थे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, राकोको कला विकसित हुई, राकोको कला विकसित हुई कहाँ, स्पेन में, फ्रांस में, रोम में, इटली में। पीजीटी पीछे 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों राकोको कला का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों, फ्रांस में। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली को जन्म दिया जिसे राकोको कला कहा जाता है साथियों। ये जो राकोको कला, राकोको शैली या कला है साथियों, एक प्रकार की लयात्मक गति है। इस शैली के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं जैसे एंटो यानी वाटो, बुसे, होगार्थ, ग्रेंसबरो आदि थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं, अजंता, राकोको, गोथिक, बारोक। पीजीटी पीसी 2004 में साथियों पूछा कि रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं, तो ये जो कलाकार हैं जिनके साथ बारोक कैली के थे। किस कैली के थे साथियों, रेम्ब्रा बारोक कला शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं साथियों। रेम्ब्रा हार्म्सजोन वान रीजन 1606 से लेकर 1669 एक डच चित्रकार था साथियों। ये जो रेम्ब्रा था साथियों, इसका जो समय था 1606 से लेकर 1669 था, एक डच चित्रकार था और ये नक्काशीकार भी था। रेम्ब्रा का सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है, रेम्ब्रा को सभ्यता का महान पैगंबर भी कहा जाता है मित्रों। द थ्री ट्रीज जिसे तीन पेड़ कहा जाता है, 1643 में रेम्ब्रा की नक्काशी है। रात के प्रहरी, अभ्यय पुत्र की घर वापसी, लेटी हुई लड़की आदि रेम्ब्रा के प्रमुख चित्र हैं साथियों। इसी के साथ साथ जैसे चिड़िया को खाता सिंह, सोता हुआ प्रहरी, कुत्ता भी रेम्ब्रा के प्रमुख चित्र हैं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है, मास, रेखा, स्पेस, प्रकाश व छाया। रेम्ब्रा के चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर के साथियों, प्रकाश व छाया। रेम्ब्रा के चित्र में प्रकाश व छाया देखने को मिलता है साथियों। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेटी हुई लड़की, वेरी वेरी मोस्ट, लेटी हुई लड़की किसने चित्रित किया, कुर्बे ने, मंजित बाबा ने, रेम्ब्रा ने, ड्यूरर ने। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, आप समकालीन चित्रकला देख रहे हैं, उनके चित्रकार साथियों समकालीन से, तो प्रश्न यहां से बहुत बनते हैं साथियों। तो बताइए लेटी हुई लड़की का चित्र किसने बनाया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों, रेम्ब्रा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही, लेटी हुई लड़की का चित्र रेम्ब्रा ने बनाया है। तो अगले आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलता हूं, तीन पेड़ किस कलाकार की कृति है, ऊपर हमने चर्चा भी कर चुके हैं, इससे संबंधित आप उसको ध्यान देके समझिए कि तीन पेड़ किसका कृति है, गोया का, रेम्ब्रा का, दामिये या कुर्बे का। तो तीन पेड़ चित्र किसका है साथियों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या जाएगा, बी रेम्ब्रा। हमें ये ऊपर अभी अब चर्चा किए थे रेम्ब्रा से संबंधित, तो तीन पेड़ किसके थे, रेम्ब्रा। रेम्ब्रे को साथियों क्या कहते, सभ्यता का महान पैगंबर भी कहा जाता है। द थ्री ट्रीज, तीन पेड़, 1643 में। इस चित्र को कब बनाया था रेम्ब्रा ने, 1643 में बनाया था साथियों। और इसकी और जो चित्र है, रात के प्रहरी हैं, अभ्यय पुत्र की घर वापसी है, लेटी लड़की है आदि प्रमुख चित्र हैं, सोता हुआ प्रहरी, कुत्ता, चिड़िया खाता हुआ सिंह। तो आगे प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है, सूजा, पिकासो, रेम्ब्रा, राजा रब्बर्मा का। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, जितने प्रश्न लाए साथियों, तो द नाइट वॉच पेंटिंग किसका है, तो जो नाइट वॉच पेंटिंग जो है रेम्ब्रा का है। किसका साथियों, रेम्ब्रा का। इस चित्र को उसने कब बनाया था, 1642 ईस्वी में। और ये चित्र जो है तैल चित्र है, कैसा चित्र है साथियों, तैल चित्र है। और ये जो चित्र है साथियों तैल चित्र है, मिलिशिया कंपनी का एक ग्रुप चित्र है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, और बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है साथियों, बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मित्र, जो आपका प्यार सम्मान मिलता है वही हमारे लिए सब कुछ है साथियों। काफ़ी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा हमें लगता है साथियों। तो बताइए बारोक शैली का प्रमुख चित्रकार या कलाकार कौन, रुबेन्स, कारोविजियो, रेम्ब्रा, बेटिचेली।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप बताइए फट से देखकर आंसर में, तो क्या हो जाएगा कारो वीजियो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये इटली का एक महान चित्रकार था साथियों, कारो वीजियो जो था इटली का रहने वाला है और एक महान चित्रकार था, बारोक शैली का प्रयोग किया अपनी पेंटिंग में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है साथियों, टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है, इंग्रेस, डेविड ग्रास या फ्यूसेली। तो टर्किश बाथ चित्र किसने बनाया था साथियों, तो टर्किश बाथ जो चित्रकार हैं चित्र को बनाने वाले इंग्रेस हैं। कौन है साथियों, इंग्रेस हैं न, इंग्रेस जो ये चित्र बनाया था टर्किश बाथ का अपने जीवन के अंतिम समय में बनाया था साथियों, अपने जीवन के लास्ट समय में टर्किश बाथ चित्र बनाया था जिसमें स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप में चित्रित किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया था टर्किश बाथ। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, यंग वुमन विद ए वाटर जंग को किसने चित्रित किया है, यंग वुमन विद ए वाटर जंग, जान वर्मियर, फ्रांस हाल्स, मीरो, पीटर पाल रूबेंसा। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, जान वर्मियर। यंग वुमन विद ए वाटर जंग, जग किसका है, जग है तो वो जान वर्मियर का है। इस चित्र को इसने कब बनाया था साथियों, 1660 से लेकर 1662 ईस्वी में, और डच चित्रकार जान वर्मियर, जान मियर थे डच चित्रकार थे, डच के रहने वाले चित्रकार थे, 1660 से 1662 में इस चित्र को बनाए थे। अब बारोक चित्रकला से संबंधित कलाकार थे। अगले प्रश्न पर आपका जो महत्वपूर्ण है साथियों वो प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन बहुत से चित्रण करने वाले जीवित कलाकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि जीवित कलाकार अभी हैं, तो सतीश चंद्र हैं, डॉक्टर रामचंद्र हैं, आर्विष्ट हैं, आर एस धीर हैं। तो अभी जीवित कलाकार हैं और बहुत दृश्य चित्रकार हैं उत्तर प्रदेश के हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, सतीश चंद, क्या हो जाएगा साथियों, सतीश चंद, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहुत दृश्य चित्रण करने वाले जीवित कलाकार कौन है, सतीश चंद है। इनसे थोड़ा संबंधित जानकारी ले लेते हैं आपको दिया जाता है साथियों, तो उत्तर प्रदेश बहुत दृश्य चित्रण करने वाले सतीश चंद्र हैं। इनकी चित्रकारी प्राकृत प्रेम के लिए थी, इनकी जो चित्रकारी बनाए साथियों प्रकृति से प्रेम के लिए बनाए हैं। राज्य ललित कला अकादमी तथा उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं न, सतीश चंद्र जो है राज्य ललित कला अकादमी तथा उत्तर प्रदेश कला संघ से पुरस्कृत हो चुके हैं। 1940 को गाजियाबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जून 1940 में गाजियाबाद में इनका जन्म हुआ था साथियों। इनका जो बचपन था खुर्जा में बीता था, कहाँ बीता था साथियों, खुर्जा में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए न, कारक उत्तर प्रदेश समकालीन चित्रकार का नाम बताइए, जयकृष्ण, जी आर संतोष, लक्ष्मण, के सी एस पनिक्कर। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयकृष्ण। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार कौन है साथियों, जय कृष्ण। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए साथियों, एक से बढ़ के एक प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो जय कृष्ण उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार थे। जय कृष्ण का जन्म 27 जनवरी 1912 इसमें मुजफ्फरनगर में हुआ था, कहाँ हुआ था साथियों, 27 जनवरी 1912 मुजफ्फरनगर में हुआ था। 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला जो आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, प्रोफेसर रामचंद्र चुग, प्रोफेसर सतीश चंद, प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर जयकृष्ण। तो बताइए उत्तर प्रदेश समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों प्रोफेसर मदन लाल हो जाएंगे, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार थे प्रोफेसर लाल नागर साथियों। इन्होंने लखनऊ आर्ट कॉलेज की आसित कुमार हल्दर के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी, लखनऊ आर्ट कॉलेज में आसित कुमार हल्दर से शिक्षा ग्रहण की थी साथियों। इनका जो प्रमुख चित्र है जैसे मनुष्य का मायाजाल, निराला, पुराना शहर आदि है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों पढ़ते हैं, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित की है न, मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित की है, गोंसबरो, विलियम होगार्थ, फ्रैगेंज, बोखार, टाइपोलो।
तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, बी विलियम होगार्थ। तो बी प्रश्न इसका, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था साथियों, तो इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, मिस्र में। तो कहाँ हुआ था साथियों, इसका जो राइट आंसर साथियों, इटली में। प्रारंभिक ईसाई कला का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, इटली में हुआ था, इटली के रोम शहर में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, ये अच्छी अच्छी डेविड, क्लाउडगेट, बुद्ध। तो वीडियो साथियों उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा है, तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना, TGT परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछेगा। तो क्लाउड गेट है, क्या है साथियों, क्लाउड गेट है। तो अनीश कपूर से हमें थोड़ी जानकारी लेते हैं साथियों, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना क्लाउड गेट है, शिकागो कहाँ बनाया गया साथियों, शिकागो में। ये एक भारतीय ब्रिटिश कलाकार हैं, अनीश कपूर जो हैं साथियों भारतीय ब्रिटिश कलाकार हैं, जिनका जन्म 1954 में मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म साथियों, 1954 में मुंबई में हुआ था। ये 1991 में टर्नर पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं साथियों। ये इनके पिता जो थे पंजाबी पिता तथा माता यहूदी थी, इनके जो पिता थे पंजाबी थे और माता इनकी क्या थी, यहूदी थी साथियों ना। 1917 में इंग्लैंड के आर्ट स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा कला की प्राप्त की थी साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरंतर होकर प्राकृतिक निकट सन्निध स्थापित किया था, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध, या 20वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यह प्रश्न PGT परीक्षा 2003 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो अगला है, किस आस्थाविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया है। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों, हेनरी मूर, गियाकामोटी, रोदिन, अलेक्जेंडर काल्डर। तो इसका राइट आंसर आप देख के बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा साथियों, कौन इसमें सही है। तो अलेक्जेंडर काल्डर क्या हो जाएगा सही, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर काल्डर। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिशाचिनियों की सभा, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, पिशाचिनियों की सभा कृत किसकी है। ये आज का लास्ट सफर है साथियों, 30 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे, वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, तो ज़रूर आपको लाभ इस प्रश्नों से मिले होंगे। पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो विंची की, गोया की। तो PGT परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों, पिशाचिनियों की सभा किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगी, गोया की, किसकी जाएगी, गोया, पिशाचिनियों की सभा है जो है गोया की। तैयार है आज के महत्वपूर्ण 30 को साथियों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। आपका जो प्यार सम्मान दुलार मिलता है लिए हमारे लिए काफ़ी है साथियों, जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो उनको उनके तक पहुँच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आएंगे साथियों, तब तक ले बेस्ट आप लग सो, थैंक यू, धन्यवाद साथियों।